नमस्ते, मैं कुणाल मेहता कमोडिटीज कंट्रोल मुंबई से, और आज हमारे साथ बैठे हैं अनिल सोमानी जी, जो कि रोहित जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के ओनर है और डायरेक्टर है ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कल के जो कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, फिर आपका फीडबैक मैं ले सकता हूँ कि कैसा लगा आपको हमारा हेजिंग कॉन्फ्रेंस जो लिया था हमने कल? नहीं नहीं वो बहुत ही अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट। यदि कोई माल फिजिकल में माल नहीं मिलता है तो, और कोई माल अपन ने सेल कर रखा है तो इमीडिएट अपन MCX में कवर करके उसका रिस्क कम कर लेते हैं। बिजनेस का रिस्क नहीं रहता है जो बिजनेस में, अपना बिजनेस सेव कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से MCX जैसा प्लेटफॉर्म, कि उसमें अपना मुनाफा पक्का कर लो, माल सेल करो, परचेस करो, जो भी अपन जो अपने कमिटमेंट है मार्केट में उसी के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, तो मिस्टर सोमानी जी, आपके रोहित और जिनिंग ऑन प्रेसिंग फैक्ट्री है, उसका जो आपका एवरेज कंजम्पशन है या आपका कितना अराइवल आता है दिन में, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो? हाँ जी, मेरे रोहित एंड जिनिंग प्रेसिंग में लगभग 1500 क्विंटल पर डे अराइवल रहता है। लगभग 300 गठान का मैं जिनिंग प्रेसिंग करता हूँ यहाँ पर डेली, और मेरा करीबन 20 साल से ये है बिजनेस में मैं कार्यरत हूँ। आपको क्या लगता है इस साल कितना प्रोडक्शन हो सकता है? पिंग बोलवर्म का जो पेस्ट इंसिडेंट है उस पर आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? पिंग बॉल के कारण से महाराष्ट्र का एवरेज 15% प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। अच्छा, तो एस्टिमेटेड 1.5 करोड़ गार्ड का हमारा प्रोडक्शन आने का उम्मीद था सीजन के शुरू में अक्टूबर में, तो अभी उसका 87 लाख बेल आने का उम्मीद है मेरे को महाराष्ट्र में। अच्छा, हाँ, 87 लाख बेल्स, मतलब आप बोल रहे हो कि ये अच्छा क्वालिटी का माल रहेगा या उसमें क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं? उसमें क्वालिटी इशू तो शुरू से है, क्योंकि इस साल जो कपास के बॉल थे, हाँ, वो 50-60% बॉल एक साथ ओपन हो गए अक्टूबर में। महाराष्ट्र में 90% एरिया में। अच्छा, और 5 अक्टूबर से लेके तो 15 अक्टूबर तक काफ़ी रेन हुआ महाराष्ट्र में, तो रेन अफेक्टेड कॉटन आने से क्वालिटी काफ़ी कपास की ख़राब हुई है, कॉटन सीड की ख़राब हुई है। बराबर, तो उस कारण से शुरू में काफ़ी दिक्कत आई क्वालिटी की, मिल वाले का जो रिक्वायरमेंट है बढ़िया क्वालिटी का कॉटन का, उसका इस साल कमी रहना है, तो क्वालिटी कॉटन की कमी है। लास्ट ईयर एरिया बहुत कम था, यील्ड बहुत ज़्यादा आया, मतलब देखा जाए तो फिर यील्ड ज़्यादा आया लास्ट ईयर। हाँ, तो फिर वो अच्छा एकदम माल आया था, प्रीमियम क्वालिटी माल आया था, क्वालिटी बहुत अच्छा था लास्ट ईयर। हाँ, उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो फिर इस टाइम का क्या आपको इश्यूज फेस कर सकते हैं क्वालिटी में देखेंगे तो फिर? इसमें कुछ जो मिले है क्वालिटी, जिसको एकदम अच्छी क्वालिटी होना इंडिया में, जो हाँ, काफ़ी मिले, जो 100% इनका एक्सपोर्ट है या अच्छा क्वालिटी का धागे का डिमांड है, वो मिल वालों को मेरे हिसाब से कुछ माल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्वालिटी कॉटन? अरे बाप रे, ऐसा मेरे को लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिलियन से 1.5 मिलियन बेल तक ये लोग क्वालिटी कॉटन इंपोर्ट करेंगे, मतलब इतना इनको करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से इंपोर्ट 2.5 मिलियन से 3 मिलियन तक हो सकता इस साल। अरे बाप रे, ये तो लास्ट ईयर के मुताबिक ऑलमोस्ट सेम हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, आधा हाफ मिलियन बेल ऊपर नीचे हो सकता, ऊपर जा सकता, नीचे जाने की संभावना कम है। मतलब इस साल थोड़ा आपको लग रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा होगा क्वालिटी कॉटन का? हाँ, और ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, तंजानिया है, तुम्हारा अफ्रीका कॉटन है ज़्यादातर, अभी जो चांस है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बराबर है, ये दो कंट्रीज का चांस ज़्यादा इंपोर्ट होने का, तो
ज़्यादातर साउथ की मील इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि जो एक्सपोर्टर है ज़्यादा एक्टिव है कम्पेयर टू लोकल मिल्स, ये बात 3-4 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ। साउथ की जो एक्सपोर्टर्स है, MNCs है जो है, वो लोग ये जो एवरेज क्वालिटी का कॉटन है वो लोग वो ले रहे हैं, अभी 33,000 से 36,000 के बीच का रेट चल रहा है। हाँ, तो इन लोग को बांग्लादेश से ज़्यादा इंक्वायरीज आ रहा है कॉटन के। बांग्लादेश को क्या इंडिया का कॉटन लेना ही पड़ता है, बराबर, क्योंकि सबसे नज़दीक इंडिया है और इंडिया का शिपमेंट उसको जल्दी मिल जाता है, बराबर। यदि उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इमीडिएट शिपमेंट होना, इमीडिएट माल होना, तो बांग्लादेश को इंडिया से कॉटन खरीदना ही पड़ता है, बराबर। तो इस हिसाब से बांग्लादेश ने अभी शुरू में बहुत दिक्कत थी, क्वालिटी एक्सेप्ट करने को मिल वाला कोई तैयार नहीं था, बराबर। लेकिन क्या करें, जैसे जो क्वालिटी आई है महाराष्ट्र में, MP में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में, करीब करीब देश का 70% कॉटन क्रॉप एरिया क्वालिटी में अफेक्टेड है। एक नॉर्थ इंडिया और गुजरात छोड़ा तो 70% एरिया जो टोटल अपना प्रोडक्शन है उसकी 70% एरिया में क्वालिटी अफेक्टेड हो गई। तो अब सभी मिल वालों ने देख लिया पूरे देश में घूम के कि भाई क्वालिटी एकदम से जो लास्ट ईयर जैसी नहीं है, तो अब वो एक्सेप्ट करने को लगे हैं कि ये क्वालिटी लेके चलाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर अगर क्वालिटी की बात करें तो आपको पैरामीटर्स कैसे लगते हैं कि 30 mm का शॉर्टेज हो सकता है आपको? 30 mm 31 mm का शॉर्टेज हो जाएगा। अगर देखेंगे तो शेयर कितना रहता है, ऐसे अंदाजा लगाएगी तो फिर 30 mm 29 mm का मोस्टली अपने इंडिया। देखो 30 mm 31 mm जो लॉन्ग स्टेबल है वो 10% रहता है, 10% मेरे हिसाब से, ठीक है, 10% शेयर रहता है इसका, शेयर रहता है 10%, हाँ 10% समझो, 10% मतलब टोटल क्रॉप का। तो अगर अपन फोकास्ट 35, 10 से 15% तक पकड़ना पड़ेगा, ठीक है चलो 15% ले लेते हैं अपन एस्टिमेट, 29 और 30 mm लॉन्ग स्टेकल 29 नहीं गिने जाएगा इसमें, 30-31 लॉन्ग, 29 ये जनरल होगा जिसका क्रॉप ही करीबन समझो 50 लाख गाठ छोड़ दी इंडिया में, 3,45,00,000 गाड़े आई तो 2,95 में 2,60 29 नहीं आता, और 25-30 लाख गाड फर्दर टाइप आता 26-27 और ये 40-50 लाख गाड 30-31 का आता, और इंडिया का जो कॉटन है उसमें, ठीक है। तो अभी ये 30-31 की बात करें तो फिर आपको कितना लगता है कि शॉर्टेज हो सकता है? 15% एवरेज पकड़ रहा अपन कितना आ सकता है, तो फिर उसमें से कितना शॉर्टेज लगता है आपको परसेंटेज में? 40% 40% शॉर्टेज होएगा, तो 15% से 40% मतलब 9% ही आएगा, 9% 6% शॉर्टेज हो जाएगा, 6% शॉर्टेज, अरे बाप रे, तो 9% शॉर्टेज गिनेंगे तो फिर मतलब जो टोटल जैसे 50 लाख गार्ड अपन ने पकड़ा, हाँ, तो मेरे हिसाब से वो 30 लाख गार्ड इस साल आएगी, 30 लाख बेल्स, ठीक है 30 लाख बेल्स, तो उसका 15 से 20 लाख बेल्स का शॉर्टेज हो जाएगा, अरे बाप रे बाप रे, ठीक है ये हो गया 30-31 mm, अभी 29 mm की बात करें, हाँ, तो 29 mm में आपको क्या इश्यूज लगता है पिंग बॉल की वजह से? एक तो पहले सबसे पहले बात तो प्रोडक्शन कम हुआ, बराबर, जो पहले हम लोग सोच के चलते थे अक्टूबर के पहले फर्स्ट वीक में लगभग 385 का 38.5 मिलियन बेल का हम प्रोडक्शन सोच रहे थे, अब वो 34.5 मिलियन बेल सोच रहे हैं, तो ये समझो 10 से 12% करीबन क्रॉप में कमी है, हो जाएगी, बराबर। दूसरी बात जो क्वालिटी है, क्वालिटी अफेक्टेड है, ठीक है, तो क्वालिटी अफेक्टेड होने के कारण से जिसको एक जो कोई मिल वाला है 75-76 के RD नहीं चला सकता कलर ग्रेड से, तो वो लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बराबर, वो मिल वाले को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो 29 mm की बात करें, हाँ 29 की बात करें
तो अभी अपन ने बोला कि 9% के आसपास 30 mm का माल हो सकता है, फोरकास्ट है ये सर? हाँ फोरकास्ट है, ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। हाँ, तो अभी 29 mm की बात करें, हाँ, तो उसमें आप कितना शॉर्टेज सोच रहे हैं क्वालिटी कॉटन में? हाँ क्वालिटी कॉटन में उसमें 3 million बेल, क्वालिटी कॉटन 3 million बेल्स, 3 million बेल्स, ठीक है। तो फिर शॉर्टेज होएगा कुछ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना हो सकता है शॉर्टेज? मतलब अभी 3 million बेल्स बोल रहे हैं क्वालिटी कॉटन का शॉर्टेज? हाँ क्वालिटी कॉटन का शॉर्टेज 3 million बेल्स का। हाँ, तो फिर अपन एवरेज पकड़ रहे कितना? 255 में से 30 lakh बेल्स नहीं आएगी? नहीं बेल्स आएगी, बेल्स नहीं आएगी, इशू नहीं। अच्छा क्वालिटी का इशू आएगा उसमें? बराबर, ठीक है। मतलब जो गुड क्वालिटी का बेल्स होना, हाँ, वो उसमें इशू आएगा। 30 lakh से 40 lakh बेल्स इशू आ सकता है, क्वालिटी लो आएगा उसका, ठीक है। हाँ, के जो बहुत मुश्किल होएगा मिल वाले को चलाने के लिए, जिसका जो बढ़िया क्वालिटी का यार्न निकाल रहा है, उस मिल वाले को ऐसे मतलब उसको कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा। एक तो उसको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होना, तो उसको इंपोर्ट बुक करना पड़ेगा मेरी सोच से, क्योंकि इतना माल वो कवर कर नहीं पाएगा। साल भर मिल चलाना होता है, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर एंड तक माल उसको कवर करना है, तो उसको इतना अवेलेबिलिटी यहाँ बाजार में नहीं है क्वालिटी 29 का गुड ग्रेड का कॉटन का। बराबर है, बराबर है, ये एक मैटर हो गया। तो दूसरी बात मैं सुन रहा हूँ कि पिंक बोलबम की वजह से फर्दर में भी कमी आएगी। हाँ, लोअर काउंट में भी, लोअर काउंट का जो 25, 26, 27 mm का जो कपास है, 3 micronet का जो डेनियम वाले ज़्यादातर यूज करते हैं, बराबर उनका, उनके लिए भी तकलीफ है, उनका अच्छा। भी उन जितना माल उनको होना उतना नहीं मिल पाएगा डेनियम का। तो ये एक दूसरा एक फैक्टर है। सेकंड है पिंक बॉल के कारण। हाँ, पिंक बॉल, क्योंकि पिंक बॉल अभी आया, बराबर है, उसको 1 महीना हुआ। हाँ, जो सेकंड फर्दल वाला क्रॉप, अपन इंडिया में फर्दल बोलते हैं या पिछाड़ बोलो, ये जो पीछे वाला क्रॉप आता है फर्दल वाला, ये ज़्यादातर डेनियम यूनिटों में जाता है। तो उनका जो रिक्वायरमेंट है उतना उनको वो टाइप का क्वालिटी का कॉटन मिलेगा नहीं। जैसा फर्दल का रेट करीबन जो मार्च अप्रैल में क्या होता है, जो सुपर क्वालिटी का कॉटन है उससे 15-20% रेट नीचे रहता है, 15-20% डिस्काउंट में वो बिकता है। हाँ, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल 8-10% डिस्काउंट में ही बिकेगा। हाँ, क्या शॉर्टेज है, ठीक है। तो अभी RCM रिलेटेड CAI ने ये डिसीजन लिया था कि दिसंबर 22 के बाद, अगर 21 को अगर GST मीटिंग में कुछ सॉल्व नहीं हुआ, दिसंबर 22 के बाद वो लोग स्ट्राइक करेंगे। पहली बात ये RCM का इशू मेरे को समझ में नहीं आया था, जिनस को क्या इशू हो रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो पहले क्या था, क्या जैसे ये जो RCM बोल रहे थे रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज, तो रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज में क्या होता है कि हम लोगों ने आज कपास परचेस करा समझो 1-30 तारीख के बीच में परचेस करा, तो उसका 20 अगले महीने के 20 तारीख से पहले 20 तारीख से पहले उसका RCM भरना पड़ेगा 5% से। बराबर, अब जैसे 5% से हमने RCM भर दिया और एक्सपोर्ट में जो इनवाइस बन रहा वो 0.1% बराबर, उसका एक क्लियर नहीं है गवर्नमेंट को क्या पैसा कौन कैसे जिनर को वापस मिलेगा। हाँ, इधर तो पूरा RCM भर रहे हैं हम लोग, बराबर वो क्लियर नहीं है। सेकंड कि RCM के कारण जो तकलीफें आती, जो बार बार हम लोगों को अपडेट रहना पड़ता है, इतने व्यस्त कार्य काम में इतने सारे रिटर्न भरने पड़ते हैं, वो बहुत तकलीफ का काम है। और जो माल हम लोग स्टॉक करते हैं जिसका सेल ही नहीं होता है उसका भी पहले हमको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो बड़ी तकलीफ है। अब 6 महीने कोई माल होल्ड किया पहले उस पर टैक्स दो, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लिक्विडिटी है जीनर्स की वो बहुत कम हो रही। ओके, भांडवल का इशू आ रहा है। इसके वजह से आप लोग सोच रहे हो कि अगर RCM हटाए, और किसी कमोडिटी पे नहीं है एग्रीकल्चर, दूसरे खाली कॉटन पे है, बराबर, तो ऐसा क्यों?
तो गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचने को ना, क्योंकि फार्मर उससे अफेक्टेड होता है, फार्मर रिलेटेड बिजनेस है, हम लोग फार्मर को कैसा पे करें पेमेंट, तो जैसे हमारी लिक्विडिटी कम होगी तो फार्मर को कैसा पैसा हम इमीडिएट दे पाएंगे, फार्मर इससे बड़ा अफेक्टेड होगा। इसके लिए RCM को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, RCM को कॉटन इंडस्ट्री में लगाने को नहीं होना, तो ये सबके लिए अच्छा है। अच्छा, तो अभी RCM का ये जो स्ट्राइक प्रोटेस्ट होने वाला, हाँ, तो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं फुल? हाँ बिल्कुल, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर देखा जाए, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर स्ट्राइक करोगे, हाँ, एक दिन का मतलब आपका तो रोज का बिजनेस रहता है, हाँ, हाँ, तो उससे आपको ज्यादा लॉस नहीं होएगा अगर स्ट्राइक कर? देखो लॉस तो होएगा ना, बराबर, लेकिन हमारे जो इश्यू है तो वो तो गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट ऐसे मानती नहीं, हमने निवेदन दिया, हाँ, सारा कुछ गवर्नमेंट को समझाया, गवर्नमेंट ने पहले तेरह अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक RCM निकाल दिया था, बोला था कि 6 महीने के लिए हमने पीछे ले लिया, फिर बीच में कैसे आ गया? सही बात, ये जो गवर्नमेंट की नीति है ये बिजनेस इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन के हित में नहीं है। गवर्नमेंट ने इस पर सोचने को ना, कोई भी नोटिफिकेशन निकालने के पहले उसमें बार बार चेंज कर दे तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द इसको पीछे लेके RCM को, ये इंडस्ट्री को राहत देने को ना, और काश्तकारों को राहत देने को ना, किसानों को राहत देने को ना। सही बात है, ताकि हम लोग किसानों का पैसा समय पे किसानों को दे सके, भुगतान कर सके। सही बात है। तो ये मैंने अभी दिलीप भाई से बात किया, हाँ, दिलीप भाई राजा, हाँ, अच्छा राजा, तो उन्होंने बोला था कि RCM का जो इशू है एक्सपोर्टर को ज़्यादा मतलब फेस मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा गिरेगा नहीं, 60% और सॉरी ना 60% 10% ही एक्सपोर्ट होता है अपना टोटल प्रोडक्शन से देखा जाए, 10-15% मैक्स टू मैक्स, जो कि 60 लाख लगभग 18-20% एक्सपोर्ट होता है, हाँ सॉरी 18-20%, हाँ 60 लाख बिल्स होता है, 18-20% आता है, 60 कभी 80 होता है कभी 70 होता है, हाँ, तो फिर अगर 60 लाख बिल्स पकड़े गए तो ये एक्सपोर्टर के रिलेटेड इश्यू रहता है, तो फिर ऐसे मतलब उन लोग का कहना ऐसा है कि, हाँ बोलो ना बोलो, हाँ उन लोग का ऐसा कहना है कि जिनर्स को एक्चुअली इतना ये होना नहीं चाहिए, मतलब इतना इश्यूज फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकल स्पिनिंग मिल्स के साथ आपका तो बिजनेस डे टू डे चल रहा ही है, तो ये एक्सपोर्टर का आपका ये जो इशू है इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो आपको क्या बोलते हैं रिटर्न, गवर्नमेंट ने बोला था कि रिटर्न मिलेगा 7 दिन के बाद, मतलब 30 तारीख को अगर आपने फाइल किया, हाँ, तो उसके बाद 7 दिन के बाद ऐसे कुछ रिटर्न मिलेगा उन लोग, अगर आप लोग ने फाइल किया 30 तारीख को, हाँ, तो दिसंबर 7 तारीख या 10 तारीख के आसपास रिफंड मिलेगा, या रिफंड रिफंड इन द फॉर्म ऑफ ITC, हाँ, ITC के हिसाब से ऐसे कुछ करेंगे तो, हाँ, ऐसे उन्होंने मुझे, हाँ, बोलो बोलो, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये इनका ओपिनियन मतलब संभव है कि नहीं? मेरे हिसाब से दिलीप भाई जो बात कर रहे हैं वो स्पिनिंग मिल के हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनको तो वैल्यू एडिशन इतना ज़्यादा हो जाता, हाँ, तो उनको कोई भरने का काम नहीं आता, वो जिनिंग के हित में बात नहीं कर रहे, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ क्या, वो जिनर को क्या तकलीफ है, वो खुद जिनर है, उनको अच्छे से मालूम है, तो जिनर का पहले जिनर बहुत परेशानी में है, ज़्यादा तकलीफ में है, जिनिंग उद्योग इंडिया का, इसके पास लिक्विडिटी इतनी कम हो गई बाजार में पिछले 3-4 सालों में, तो वो और ये टैक्स का बर्डन आएगा, फिर दूसरी बात क्या है कि टैक्स 5% से इनवाइस बनाएगा, समझो एक्सपोर्टर 0.10% से, हाँ, उसका पैसा कहाँ से लाना हमने, सही बात। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने बाकी सभी इंडस्ट्री को राहत दी, हाँ, तो कॉटन इंडस्ट्री को क्यों होना? सही बात है। ये अभी डीमोनेटाइजेशन GST आया, हाँ, 18-20% बहुत बड़ा मायना रखता, उसमें भी 18-20% में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 12-13% गुजरात महाराष्ट्र से होता है, 2 स्टेट से ज़्यादा होता है, तो अफेक्टेड द गुजरात महाराष्ट्र वाले इतने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सही बात है। तो ये जो इशू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनर्स के हिसाब से, तो RCM जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने पीछे लेने को होना तो अच्छा ये, हाँ, तो सबके हित में है।
जीनर्स के हित में है, फार्मर्स के हित में है, या फिर फार्मर को हम लोग समय पे भुगतान नहीं कर नहीं पाएंगे, उसका पेमेंट नहीं दे पाएंगे। सही बात है। तो वैसे फार्मर ज़्यादा दुखी हो जाएगा, तो वैसे गवर्नमेंट से फार्मर ज़्यादा नाराज हो जाएगा, पहले नाराज चल रहा और ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं मेरे कमोडिटी कंट्रोल द्वारा गवर्नमेंट को मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द आप इसका उपाय कीजिए और सबको राहत दीजिए। सही बात है, मैं भी चाहता हूँ कि ये जीनिंग इंडस्ट्री को राहत मिले, क्योंकि जीनिंग को तो मिले फार्मर को मिले। सही बात है, फार्मर अफेक्टेड होता तो उसके पास तो हमारे पास नहीं, हाँ नहीं माल तो उसको पैसा होना ना रोज, उसको तो उसका तो कैसा है, जो फार्मिंग का माल आता उसके ऊपर उसका साल भर उसका खर्चा चलता, तो कैसे करेंगे। जब समझो हम लोग उसका कपास लेने के बाद में उसको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसने क्या करना बेचारे। सही बात है, इसके लिए जीनिंग के साथ फार्मर को भी राहत मिलेगी। सही बात है, ठीक है, ये आरसीएम का इशू हो गया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा पिंग बोलवर्म के बारे में। जीनिंग इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिर 2015 में शायद से गुजरात को ये इफेक्ट हुआ था जीनिंग पिंग बोलवर्म। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में अपने कॉटन इंडस्ट्री शायद से, पता नहीं मुझे ऐसा, हाँ बोलो आपको जो समझ में आया बोलो, आपको टेंशन बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने इतना स्टेप्स लिया नहीं पिंग बोलवर्म को कम करने के लिए, तो जीनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो पिंग बोलवर्म को मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। अभी जो उपाय है उसमें जीनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से जो स्टेप काश्तकार को समझाना पड़ेगा कि भाई आप ये कपास उखाड़ दो, इसका जो कपास की जो फसल है उसको जला दो, मतलब उसको निकाल के जला दो। काश्तकार को एजुकेट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सही बात है, सही। और सभी स्तर पे, मतलब सभी के सहकारे से ये पिंग वॉल अटैक को सभी सहकारे करेंगे तो जल्दी कवर होगा। सही बात, सभी घटक, हाँ। अन्यथा ये बहुत बढ़ने वाला है आगे। सही बात है, अगर ये अप्रूव नहीं किया, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा केयर लेने को ना, फार्मर हो, जीनिंग इंडस्ट्री हो या कोई ऑयल मिलर हो, सभी ने इसका केयर लेने को होना। सही बात है, तो मिटिगेट हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर इसके जो परिणाम, जो ज़्यादा ख़राब परिणाम आने वाले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। काफ़ी हद तक जैसे गुजरात ने कवर किया, उस हिसाब से अपन लोग भी इसके ऊपर स्टेप लेने को होना। सही बात है। अभी बीटी कॉटन सीड के वजह से शायद से मैं सुन रहा हूँ कि ये ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस पिंग बोलवर्म ने किया उसके साथ, उसको देखा जाए तो क्या है जो बीटी कॉटन है उसमें एक 120 ग्राम का पैकेट आता है साथ मेरी फिश सीड का, नॉन बीटी सीड का, वो उसको लगाना अनिवार्य है फार्मर ने, तो फार्मर लोग वो लगा देना ही है, तो उस कारण से उसको जो खाने के लिए जो खाद्य होना फार्मिंग में वो उपलब्ध नहीं होता, तो उसका जो ये बीटी सीड पे पिंग बॉल बीटी सीड खा के उसका रजिस्टेंस पावर बढ़ गया, तो वो उसको डाइजेस्ट करने को लग गया बीटी को भी। सही बात, वो हिसाब से ठीक है सर जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया।